भूल गया अज़रबैजान का, ऑनलाइन है, ई वीज़ा है, 4-5 दिन में आ जाता है। भाई हैं मेरे को मिले हैं बेला वेल्स कैफे में कायरो एयरपोर्ट में, तो ये कुछ कहना चाहते हैं मेरे को। अज़रबैजान में स्वागत है। और काफ़ी स्मूथ इमिग्रेशन था। गाइस मैं हूँ इस वक्त कायरो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टर्मिनल 1, और मैं जा रहा हूँ अब अज़रबैजान। कायरो में मेरा सफ़र हुआ ख़त्म। यार सारे दोस्तों को बाय बाय कहने में बहुत दुख हो रहा था, जितने भी थे नागी गाजी शेम, जितने काउच सर्फर्स मिले सब, मतलब गले लगने के टाइम थोड़ा इमोशनल हो जाता है, इतने दिन उनके साथ रहो ना। अच्छा रहा एक्सपीरियंस काफ़ी, एक्सपेक्टेड नहीं था लेकिन काफ़ी अच्छा था। अब जा रहे हैं अज़रबैजान और सेम एयरलाइंस फ्लाई नास। इसमें मेरे को आधा घंटा रुकना पड़ा चेक इन के लिए। हुआ क्या कि उन्होंने देखा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी फ़ाइनल डेस्टिनेशन क्या है, तो मैंने बोला अज़रबैजान। फिर उन्होंने वीज़ा मांगा, मैंने दिखा दिया, फिर उन्होंने कहा सर 5 मिनट रुको। 5 मिनट के उन्होंने आधा घंटा लगाया। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, कह रहे डबल चेक कर रहे हैं कि शायद कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो अज़रबैजान में। तो फिर उन्होंने बोला आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं सर, हमें बस डबल चेक करना था। तो हाँ तुम्हें वीज़ा चाहिए अज़रबैजान के लिए और इंश्योरेंस चाहिए, इंश्योरेंस ख़रीद लेना कहीं से भी, 600-700 रुपये का आता है, बजाज फाइनेंस किसी से भी ख़रीद लेना। और टिकट चाहिए ऑनवर्ड की, बट मेरे से टिकट नहीं मांगी, मेरे से सिर्फ वीज़ा मांगा। और ये फ़्लाइट मुझे सेम तकरीबन उसी रेट की पड़ी जितनी मेरे को दिल्ली से कायरो की पड़ी थी, 17,000 की, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, डायरेक्ट फ़्लाइट बहुत महंगी थी। तो ये भी मेरे को सऊदी अरेबिया में ले ओवर है मेरा, और फिर मैं वहाँ से जाऊँगा बाकू एयरपोर्ट। हाँ चलो गाइस मिलते हैं अज़रबैजान में। हाँ इसका वीज़ा प्रोसेस के बारे में बताना भूल गया अज़रबैजान का। ऑनलाइन है, ई वीज़ा है, 4-5 दिन में आ जाता है। इसको $30-25 का लगता है, हाँ $25 का लगता है, सस्ता है। एक महीने का वीज़ा मिलेगा और जिस डेट को आप मेंशन करोगे ऑनलाइन उसी डेट से ये वैलिड रहेगा 3 महीने के लिए। तो हाँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ई वीज़ा के लिए। प्रवीण भाई को बाय बाय नहीं बोल सकी क्योंकि प्रवीण भाई जल्दी में थे, उनको बस बुक करनी थी हमें लक्सर की। तो बाकी प्रवीण भाई को मैंने मैसेज कर दिया है कि मिलते हैं जल्दी, कहीं ना कहीं हम कुछ तो प्लान करेंगे साथ में। भाई जैद भाई हैं मेरे को मिले हैं बेला वेल्स कैफ़े में कायरो एयरपोर्ट में, तो ये कुछ कहना चाहते हैं मेरे को। बोलो से एनीथिंग। ये यहाँ काम करते हैं, इन्होंने मेरे से पूछा इंडिया बोलते ही इन्होंने बोला मेरे को शाहरुख खान एंड एंड उनसे पूछा कि मैं उनसे मिला हूँ कि नहीं, मैंने कहा नहीं मिला। कुछ पूछा क्यों नहीं मिले, तो उन्होंने बोला कि मिलना बहुत मुश्किल है उनसे। क्यों मुश्किल है, मैंने कहा वो दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। अब उनको बुला लिया गया है, मेरे बोर्डिंग का टाइम हो गया तो मैं निकलता हूँ, तो मिलते हैं। तो गाइस इस वक्त हम आ चुके हैं फिर से रियाद के एयरपोर्ट पे लैंड हो चुके हैं, और अभी बज रहे हैं रात के 2:30 हो रहे हैं, और मेरी यहाँ से फ़्लाइट है 4 घंटे बाद, 6:30 सुबह की फ़्लाइट है मेरी अज़रबैजान की। और नींद बहुत आ रही है। फ़्लाइट में मेरे को जो सीट मिली थी वो सीट थी इमरजेंसी एग्जिट वाली, जो फिर पीछे इंक्लाइन नहीं हो सकती। अब यहाँ सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट पे एक प्रॉब्लम और है कि इनका वाईफाई अंडर मेंटेनेंस है, वो चल नहीं रहा है, और बिना सिम के वाईफाई भी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो OTP भेजता है अगर तुम फ़ोन नंबर डालते हो। तो 4 घंटे किसी तरह टाइम पास करेंगे। यहाँ पे फ़ोन चार्ज पे लगा दिया है मैंने, अभी इसके बाद GoPro चार्ज पे लगाऊँगा।
और दोनों चीज़ें चार्ज हो जाएंगी जब पूरी तरह। फिर एक कॉफ़ी लेंगे कहीं सस्ती सी और उसके बाद यहाँ से चलेंगे बाहर। मिलते हैं फिर गाइस। फ्लाइट में खाने का कुछ खास मिला नहीं था। एक बड़ा सा छोटा सा सैंडविच था और सैंडविच बना था जैसे अपन प्याज टमाटर खीरा और उसको मिक्स करके ब्रेड में नहीं लगा देते हैं, वैसा सा सैंडविच था और एक छोटे से पानी की बोतल दी थी बस, और कुछ नहीं मिला था। पिछली फ्लाइट आज की फ़्लाइट में भी यही मिला था, इतना ही मिला था। तो खाने का हो सके तो चिप्स वगैरह ले जाना क्योंकि लंबी फ्लाइट होती है, भूख तो लगेगी। अज़रबैजान में स्वागत है। बारिश हो रखी है बाहर और सुबह नहीं दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम लैंड हो चुके हैं अज़रबैजान। तो दोस्तों इमिग्रेशन क्लियर हो चुका है और काफ़ी स्मूथ इमिग्रेशन था, कुछ नहीं पूछा, वीज़ा भी नहीं पूछा, पासपोर्ट लिया और आगे का टिकट पूछा, बस जाने दिया, तो एक मिनट भी नहीं लगा, इतना स्मूथ था। और बाहर निकल के मेरे को दिक्कत हुई, एक तो एयरपोर्ट पे जो एटीएम था वो काफ़ी क्या बोलते हैं महंगा रेट दे रहा था, जो प्रीमियम रेट होता है निकालने में, तो मैंने सोचा किसी लोकल एटीएम से बाहर से ले लूँगा। और बाहर निकलते ही यहाँ पे सबसे पहले तो आप बोल्ट एप्लीकेशन यूज़ करना, ऊबर वगैरह नहीं करना, बोल्ट करना, सस्ता पड़ेगा। बाहर जाते क्या हुआ मेरे साथ, यहाँ एयरपोर्ट पे वाईफाई तो फ्री है, मैंने सिम नहीं ख़रीदा तो मैंने बुक करा टैक्सी और बाहर निकल गया। मैं सोचा लोकेशन देख लूँगा टैक्सी की, बाहर जाके मेरे को टैक्सी नहीं मिली और यहाँ बारिश हो रही, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बाहर जाके मैं ढूंढ रहा टैक्सी, एक टैक्सी वाले जो स्कैमर्स होते हैं आए मेरे पास और बोलते कि मैं ही हूँ तुम्हारा टैक्सी वाला और मेरे को मेरा बैग ले गया ज़बरदस्ती, मतलब भागे जा रहे ले गया, अपनी गाड़ी में डाल दिया। मैं कहा भाई क्या क्या, और मैंने पूछा कितने पैसे, कहता 20 मन्नत। अब मन्नत यहाँ की करेंसी, एक मन्नत लगभग 49 रुपीज़ के आसपास, 48 रुपीज़ के आसपास। तो कहता 20 मन्नत लूँगा, जबकि मेरा जो मैंने बोल्ट पे बुक किया था वो था 6 मन्नत, यानी करीबन 300 रुपये के आसपास। और वो मुझसे लेना चाह रहा था, मैथ्स मेरी बहुत ख़राब है यार, 50 और चलो जितने भी होते आप समझ गए हैं। फिर मैं फिर से एयरपोर्ट में गया, अपना बैग स्कैन करवाया, फिर वाईफाई यूज़ किया, फिर मैंने बोला ड्राइवर को भाई ये फ़ोटो भेज दे जहाँ भी खड़ा है तू उस जगह की, फिर मैं वो देख के आया। और मौसम बहुत ही अच्छा है अज़रबैजान का, फाइनली ठंड बहुत है यार, मेरे मुँह से धुआं निकल रहा है, इतनी ठंड है यहाँ पे। अभी मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल साहिल हॉस्टल, जो सबसे कॉमन हॉस्टल है यहाँ पे, सभी ट्रैवलर्स वहीं रुकते हैं, तो मिलते हैं वहाँ जाके। बीच में ही टाइम पे रुकने को बोला मैंने भाई को,